हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमबीए आउटसोर्स। एमबीए आउटसोर्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा ये जो टॉपिक है ये है कि कुछ मैं ऐसे इंटरव्यू के पॉइंट्स है जिसके ऊपर बात करने वाला हूँ। माना कि वो पॉइंट मैंने अपने वीडियो में कवर किए होंगे, राइट? आई एम नॉट श्योर, फिर भी इसलिए ये कवर करने के लिए मैंने कुछ इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले जो सिंपल क्वेश्चन हैं जिसमें हम कभी कभी आते हुए भी अटक जाते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट वे उसका पता नहीं होता, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे डिस्कस करना चाहिए आप लोगों के साथ में, इसलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। और बीच बीच में जो भी टॉपिक बनाऊँगा उसके बाद में मैं कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन के पॉइंट्स भी बनाऊँगा जो कि हमसे छूटने नहीं चाहिए, राइट? तो ये तीन पॉइंट है यहाँ पे, रेफरल, सेकेंडरी पेयर और पीएमएस। यानी रेफरल क्या होता है, सेकेंडरी पेयर क्या होता है, पीएमएस क्या होता है, ये एक शॉर्ट फॉर्म में मैं इसका आपको एक नॉर्मल वे में बताने वाला हूँ क्योंकि हर इंटरव्यू जो लेने वाला होता है कभी कभी उसको ऐसा होता है कि डमी डेफिनेशन नहीं होना, उसको एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए होती है, ठीक है? वो डिटेल में पूछते हैं कभी कभी, तो वो उस चीज़ के माध्यम से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो रेफरल क्या है, राइट? रेफरल क्या है? रेफरल एक ऐसी प्रोसेस है, ठीक है, ऐसी एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसमें मेंबर के पास जो हेल्थ प्लान होता है ना उसको ऑथराइज किया जाता है, ठीक है, कि वो दूसरे प्रोवाइडर से सर्विस ले सकता है, ठीक है, उसके पीसीपी को छोड़कर वो दूसरे प्रोवाइडर से सर्विस ले सकता है, इसको ऑथराइजेशन होता है। लेकिन वो कब लेगा, जब पीसीपी यानी प्राइमरी केयर फिजिशियन उसको ऑथराइज करेगा, ठीक है, उसको रेफर करेगा उस पर्टिकुलर प्रोवाइडर को, तभी वो दूसरे प्रोवाइडर के पास से ले सकता है, अदरवाइज वो सर्विस दूसरे प्रोवाइडर से ले नहीं सकता, ठीक है। तो रेफर करना यानी पीसीपी जब तुमको बताएगा कि हाँ, अगर आपको ये क्रिटिकल ये वाली कंडीशन है तो मैं आपका पीसीपी भले ही हूँ लेकिन आप इस डॉक्टर को बताइए, ये आपको अच्छा इलाज करा के देंगे। तो उसके मेंबर प्लान में ही ऐसा है कि आपके पीसीपी के पास से आप रेफरल लीजिए, डायरेक्टली आप जाइए मत वहाँ पे, राइट? तो रेफरल का मीनिंग ही ये है कि विदाउट योर पीसीपी परमिशन योर सर्विस इज नॉट कवर्ड व्हाइल यू आर टेकिंग सर्विस फ्रॉम अदर प्रोवाइडर एज कंपेयर टू योर पीसीपी। अगर आपके पीसी के पास नहीं गया, आप पीसीबी के पास और दूसरे प्रोवाइडर के पास चले गए, तो वो तो डॉक्टर सर्विस दे देगा लेकिन आपका वो सर्विस का क्लेम जब वो डॉक्टर बिल करेगा इंश्योरेंस को तो वो कवर नहीं होगा। वो ये बोलेगा, डिनाइड करेगा कि आपने पीसीपी के पास से प्रेफरल क्यों नहीं लिया, राइट? तो ये उसका महत्व है। अब दूसरी बात देखते हैं सेकेंडरी पेयर की। सेकेंडरी पेयर क्या होता है? सेकेंडरी पेयर कुछ नहीं होता है, सेकेंडरी इंश्योरेंस नहीं होता है। अमुक तर्क के दिमाग में ये होता है कि प्राइमरी इंश्योरेंस है, सेकेंडरी इंश्योरेंस है, टर्शरी इंश्योरेंस है, बट ये वैसा नहीं है। प्राइमरी इंश्योरेंस की ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है लेकिन सेकेंडरी पेयर, टर्शरी पेयर ये सप्लीमेंटल होते हैं। ये ध्यान में रखना मेरे शब्द को, मैं क्या बोल रहा हूँ, सप्लीमेंटल। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ कि आप जिम में जा रहे हो, आपकी बॉडी स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, लेकिन आप पहले दिन एक छोटे मोटे वेट उठाते हो, दूसरे दिन छोटे मोटे वेट उठाते हो, ऐसा करके आपका हैबिट होती है, लेकिन आप जब बड़े वेट उठाना चाहते हो तो आपकी बॉडी श्रिंक करती है, वो उतना सहन नहीं कर पाती। क्यों नहीं सहन कर पाती, क्योंकि आपके अंदर उतना प्रोटीन, हाई मात्रा का प्रोटीन नहीं रहता। तो हाई मात्रा का प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगा, एक सप्लीमेंट लेके, ठीक है, तब जाके अगर आप सप्लीमेंट लेते हो या फिर आप घर पे ही सप्लीमेंट बनाते हो काजू किशमिश के द्वारा, हाँ, तो आपकी बॉडी क्या करती है, फिर वो वेट को उठाने के लिए सपोर्ट करती है, हाँ, सप्लीमेंटल जैसा फॉर्मेट करती है ना। तो किसी भी चीज़ को उठाए रखने के लिए
जो पेयर होता है वो सेकेंडरी पेयर होता है, यानी प्राइमरी की जो भी प्राइमरी क्या कवर करता है, कवर करता है, बट कुछ पार्ट जो है सेकेंडरी कवर करता है कि वह चल ठीक है, ये इसके अंडर में इतना ही है, ये इतना ही कर सकता है, इसकी क्षमता इतनी है, तो सपोर्टिव के रूप में, सप्लीमेंटल के रूप में मैं हूँ सेकेंडरी, राइट, जस्ट लाइक दैट। तो हमेशा सेकेंडरी इंश्योरेंस कोई ऐसा ये नहीं होता है, वो सप्लीमेंटल होता है प्राइमरी इंश्योरेंस के लिए, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट है अगर आपको इंटरव्यू में पूछे तो, हाँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि पेशेंट का प्राइमरी इंश्योरेंस सेकेंडरी इंश्योरेंस वो तो होता ही है, उसका महत्व अपने को पता नहीं रहेगा तो हम क्या है कि गिर जाएंगे नीचे। तो हमें सप्लीमेंटल के लिए, हमारे सप्लीमेंटल के लिए क्या है, सेकेंडरी पेयर क्या होता है उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और उसका प्राइमरी के साथ किस वजह से संबंध होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, राइट, भले ही यहाँ पे मैंने पूरे डिटेल में नहीं लिखा है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ मेरे बातों पे ध्यान दीजिए, आपको विस्तार से समझ आएगा। और थर्ड टॉपिक है पीएमएस। लोगों को लगता है ये प्रैक्टिस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये कोई सॉफ्टवेयर है जो हर कंपनी में होता है, जो फ्रेशर लोग आते हैं ना उनको ऐसा लगता है कि ये पीएमएस कोई सॉफ्टवेयर होगा, है ना, जो हर कंपनी में रहता होगा, बट ऐसा नहीं है। पीएमएस यानी प्रैक्टिस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लेकिन पीएमएस नाम का नहीं है वो सॉफ्टवेयर, कोई भी नाम का हो सकता है, ईसीडब्ल्यू हो सकता है, इपिक हो सकता है, आईएमएस हो सकता है, नेक्स्ट जन हो सकता है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है जिसके थ्रू हम हमारे प्रोवाइडर का काम और इंश्योरेंस के साथ में डील कर सकते हैं, ठीक है। तो पीएमएस कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, पीएमएस एक प्रैक्टिस मैनेजमेंट सिस्टम बोला गया है, उस मूलभूत उस सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर नहीं बोलेंगे मेडिकल लैंग्वेज में, इसलिए पीएमएस यानी एक मेडिकल लैंग्वेज में प्रैक्टिस मैनेजमेंट सिस्टम बोला गया है सॉफ्टवेयर छोड़ के। हालांकि ये एक पीएमएस कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक मैनेजमेंट सिस्टम है, और मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्शाई गई है मेडिकल बिलिंग में, जो कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, आईएमएस, ईसीडब्ल्यू, इपिक, नेक्स्टजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो दिमाग से ये निकाल देना कि पीएमएस कोई सॉफ्टवेयर है। अगर इंटरव्यू में पूछे कि व्हाट इज़ पीएमएस, सो भूल के भी ये मत बोलना कि एक सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये प्रैक्टिस को मैनेज करने की एक सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर के माध्यम के तौर पर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट जन, ईसीडब्ल्यू, आईएमएस आदि इत्यादि, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप भी इसका लाभ उठाइए और हम अपने इंटरव्यू को क्रैक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के इजाज़त दीजिए, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।